गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा। मुक्सा उठाओ, मुक्सा उठाओ, इसे उठो। वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है न्यू वीडियो में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी हम निकल रहे हैं साइंस पार्क देखने के लिए। साइंस पार्क जोधपुर में नगर निगम के पास स्थित है और मैं और अफसा और मुक्सा तीनों अभी निकल रहे हैं। अभी बज चुके हैं एक और साइंस पार्क खुलने का समय है शायद तक 2 बजे तक है और शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं साइंस पार्क के पास और हम जा रहे हैं साइंस पार्क के अंदर। ये रे रौसा और मुक्सा। और क्या मुक्सा, क्या करने वाले हो आज? अच्छा जी, मैं तो सब कर रहे थे अंदर जाके मजे करने वाले। और क्या है बाकी साइंस पार्क में, साइंस के बारे में समझेंगे आज तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं साइंस पार्क के सामने और जस्ट साइंस पार्क के सामने खड़े हैं। हमारे सामने नगर निगम है और हमारे साथ रौसा मुक्सा तीनों खड़े हैं हम। अभी हम अंदर जाने वाले हैं, टिकट लेंगे। यहाँ से टिकट कितने का है वो बता देंगे आपको। शायद तक मेरे को जहाँ तक पता है टिकट के 30 रुपये या 20 रुपये लेते हैं स्टूडेंट के। अभी चलते हैं अंदर। 20 रुपये है ना? 30 रुपये है। 30 रुपये है। और अंदर क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा। और हम अभी अंदर जाने वाले हैं। ये जो आप कुआ देख रहे हैं इसकी गहराई है वो ओनली 2 फीट है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गहरा दिख रहा होगा। केले को है देखो, कांच लगा हुआ, ये 2 फीट गहरा है, लेकिन आप इसकी गहराई देख सकते हो। यार ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको डॉपलर इफेक्ट के बारे में समझाया गया है। डॉपलर इफेक्ट एक फिजिक्स का बहुत ही पॉपुलर फिनोमेना है। और इस इफेक्ट में क्या होता है कि सपोज कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और ट्रेन आपसे बहुत दूर है, तो आपको जो विसल है वो नॉर्मली सुनाई देगी, लेकिन ट्रेन जैसे ही आपके पास आती है तो उस टाइम आपको जो ध्वनि होती है विसल की वो बहुत तेज सुनाई देती है। लेकिन जब ट्रेन आपसे दूर की ओर जाती है तो विसल है थोड़ी कम सुनाई देने लग जाती है। ये डॉपलर इफेक्ट के कारण ही होता है। और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि जब ट्रेन आपके पास आती है तो उस टाइम जो प्रति सेकंड कंपन है, इनके वाइब्रेशन जो है वो थोड़े तेज होते हैं उस टाइम। और जब इसके कारण आपको हाई इंटेंसिटी की जो साउंड वेव्स है वो आपको सुनने को मिलती है। लेकिन जब ट्रेन आपसे दूर जाती है तो प्रति सेकेंड कंपन वो क्या होता है कि थोड़े कम हो जाते हैं, जिसके कारण आपको जो वेव की साउंड वेव की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम सुनी देने लगती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ से इस बटन को दबाकर इस एक्सपेरिमेंट को आप समझ सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये जो डंडी लगी हुई है, जैसे मेरे पास आती है उस टाइम हाई इंटेंसिटी की वेव साउंड वेव सुनी देती है, यानी कि जो साउंड है वो तेज सुनी देता है। लेकिन जैसे ये दूर जाता है और उसी टाइम जो साउंड है आपको थोड़ा कम सुनी देता है।
गाइस यार साइंस पार्क में हम काफ़ी घूम लिए और थक कर यहाँ पर हम बैठ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स रखे हुए हैं जिससे आप फिजिक्स का केमिस्ट्री के और बायोलॉजी का काफ़ी जो है अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। जो साइंस में उत्सुक है उनको यहाँ पर ज़रूर आए और जो अपनी जो नॉलेज है वो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं बच्चे यहाँ पर ज़रूर आए और यहाँ पर आकर उनका ज़रूर उत्साह जो है साइंस के प्रति ज़रूर बढ़ेगा। यहाँ पर खाली साइंस के एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं है, यहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में भी अच्छा नॉलेज दिया गया है और एक अच्छा सा म्यूजियम अंदर बन रखा है जो आप यहाँ आकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। वहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में समझाया गया है काफ़ी कुछ, जो बहुत ही पुरानी जो भारतीय हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ अंदर रखा गया है म्यूजियम के अंदर, और उसको देखकर बिल्कुल हमें प्राउड फील होता है कि इंडिया में इस तरीके की खोजें उस टाइम हुआ करती थी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आकर हमें लगा है। और यहाँ पर हमने सौरमंडल से रिलेटेड एक मूवी भी दिखाई गई थी जिसको हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि अंदर शूट करना अलाउ नहीं है। और वहाँ पर डायनासोर्स के बारे में बताया गया, डायनासोर्स किस प्रकार से विलुप्त हुए थे और क्या कारण रहा विलुप्त होने का उसके बारे में भी बताया गया। तो गाइस हमने साइंस पार्क अंदर से तो देख लिया है और अभी हम बाहर की ओर निकल रहे हैं जहाँ पर एक पार्क बना हुआ है और वहाँ पर बड़े बड़े इंडियन साइंटिस्ट की मूर्तियाँ लगी हुई है और जो डायनासोर्स है उनकी भी मूर्तियाँ लगी हुई है। और वहाँ पर जाकर थोड़ा इन्जॉय करेंगे और आगे थोड़ा बहुत वहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम पार्क में थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर आप तरह तरह के डायनासोर्स की मूर्तियाँ देखी आप लगी हुई है और अंड संड डायनासोर्स की मूर्तियाँ लगी हुई है यहाँ पे। क्या ही बोलूँ मैं, मेरा तो डायनासोर के ऊपर बैठने का मन कर रहा है। ये एक लंबा सा डायनासोर है, नाम पता नहीं क्या है, और वहाँ पर वो वाला डायनासोर उस पर किले की तरह कुछ लगा हुआ है, उसकी क्या कहते हैं रीड या डिपर देख सकते हैं कि मेरे पीछे बड़ी सी एक डायनासोर की मूर्ति लगी हुई है और हम थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और राजू भाई यहाँ पर मज़ा कर रहे हैं डायनासोर के साथ में, कुछ डायनासोर के साथ में डायनासोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ो करते हमसे सब लोग परेशान हो गए और जो यहाँ के जो गार्ड है उन्होंने क्या कर रहे हो तुम लोग। पार्क में काफ़ी कुछ यहाँ पर रखा हुआ है और साइंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी आपको दी गई है। आप साइंस है ना, यहाँ पर फन में मतलब मजे में आप साइंस सीख सकते हो। ये निकाल के और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाइप लगे हुए हैं यहाँ पर और इन पाइप से तरह तरह की ध्वनि जो है निकलती है। इसके पीछे भी एक साइंस है कि भाई यहाँ पर गिर जाएगा, भाई गिर जाएगा। मुख्सा उठो आप यहाँ पर देख रहे हैं मुख्सा कुछ इस पाइप में कुछ बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं अभी हम सुनते हैं। ये पाइप काफी लंबा है और इससे क्या होता है कि एक को साउंड बनता है और जो मुख्सा वहां से बोल रहे हैं वो हमें दूसरे छोर पर सुने देगा। तो मुख्सा क्या बोल रहे थे वो अभी हम दूसरे छोर पर जाकर देखते हैं। अभी हम सुनते हैं कि मुख्सा क्या बोल रहे हैं। क्या मुख्सा? हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हो आप? पहुंच गए आप वहाँ पर? हाँ पहुंच गया मैं। अच्छा कैसी लग रही है आवाज? आवाज बिल्कुल माइक्रोफोन की तरह लग रही है, जैसे माइक से आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी साउंड में बोल रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा, बड़े स्पीकर में जैसे मन से कोई आवाज आती है ना। हाँ। माइक से वैसी आवाज आती है इसमें। अच्छा आप ही सुन रहे होंगे कि हाँ बहुत जोरदार आवाज आ रही है। अच्छा ये जो पाइप है ये इको साउंड प्रोड्यूस करता है वहाँ से और हमें यहाँ पर जो है वो मुख्सा वहाँ से बोल रहे हैं और हमें यहाँ पर आवाज सुनाई देती है। काफी लंबा पाइप है, आप देख सकते हैं वहाँ से मुख्सा आवाज लगा रहे हैं और हमें यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और हमारे पीछे यहाँ पर मुख्सा यहाँ पर एक झूले का लुप्त उठा रहे हैं
और ये झूला जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है जो कि है एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। और इसमें क्या हो रहा है मुझसे आपको खुद बताएंगे। देखिए इसमें जैसे कि आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये चेयर ऐसे घूमेगी, यानी कि उल्टे इसके विपरीत में, मतलब जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हो उसकी उल्टी दिशा में आपके ऊपर फोर्स लग रहा है। यही है क्रिया प्रतिक्रिया, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन। ऐसे काफ़ी सारे झूले हैं अलग अलग टाइप के जिनसे आप विज्ञान सीख सकते हैं। यहाँ पर खेल खेल में मज़ा भी आता है और कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है जो किताबों में आप पढ़ते हैं यहाँ पर आप खुद महसूस कर सकते हैं। गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ बाहर साइंस पार्क के बाहर बैठे हैं, अंदर बहुत एंजॉय किया हमने, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं बाहर बैठे हैं। और अभी ये रवसा को पूछते हैं कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अंदर सच में यार, और क्योंकि मैं खुद साइंस के स्टूडेंट हैं, हम सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमने कभी किताबों में तो बहुत पढ़ा है कि किस प्रकार से चीज़ें काम करती है, और आज हमने खुद महसूस किया तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, सबका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया सब कुछ, न्यूटन से लो टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप सब कुछ समझ सकते हैं, और अंदर एक पिक्चर सौर मंडल की दिखाई गई वो भी बहुत अच्छी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ हमारा काम पसंद आया हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजा दें, इतना जोर से घंटा बजना चाहिए कि सबको सुनाई दे थैंक यू गाइज।